अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तानी सफर कुकिंग शो में सब खैरियत से हूँ। जो रेसिपीज टाइम पे तानी फरमाइशन के मुताबिक ईद उल अज़हा के हिसाब से तमाम बेहतरीन रेसिपीज ठाईंदा अचूँ पाया। इंशाल्लाह इनके ट्राई भी कौ तुबह जो 12 वगे रिपीट हों प्रोग्राम कुकिंग विद शेफ फैसल जो पेज है, उसे रेसिपी अपलोड थी स्क्रीन पर नंबर हले पो, उत कॉल कर पुछी सूँ था काशे समझ ना अचे। अज जो मैं ठाया पो ईद के हिसाब से बिरयानी की काफ़ी सारी फरमाइश आई पे, तो बिरयानी ठाई पे जबरदस्त सिंधी बिरयानी तेहवारी आसा गड में ठाईंदम पावा। पावा मटन जहाँ ठाकुर पाया छाण त ईद में हर घर में पावा बिरयानी कलेजी ये शूं जरूर ठहदियन। तो ईद का पो भी बाकी जो रेसिपीज होंगे बीफ जो बो भी कहसी वो गोश्त जो ईद में कुर्बानी में अक्सर तेजे घर में सभी रखा फ्रेश कह पैकेट्स ठाई तो बाद में मज़ेदार खादा ठाईंदा, तो वे रेसिपीज बाद में भी अगर फरमाइशू आज तो कजो ईद का ठाण सिखा। ठीक है, रेसिपी हाँ किचन में हल्दस तो क्वान्टिटी इनकी सारी बुधाईदम। आज की जो हम रेसिपी बना रहे ईद उल अज़हा का वीक कर रहे हैं, लास्ट वीक से जो मैंने रेसिपी स्टार्ट की थी, तो आज मैं बना रहा हूँ बिरयानी। बिरयानी की काफ़ी फरमाइश आई थी, बीफ बिरयानी बनेगी मज़ेदार सिंधी बिरयानी तह वाली, वो आपने सी देखना है। मैं 1 kg के हिसाब से बना रहा हूँ, और अगर आपने डबल करनी होगी तो आप फिर मसाले और चावल अपने हिसाब से फिर डबल कर लीजिएगा। ठीक है, मटन के पाए बना रहा हूँ, बीफ के पाए भी सेम तरीके से बनते हैं, सेम मेथड होता है। पूरा तरीके का बताऊँगा कि सब बॉयल किए हुए, कितनी क्वान्टिटी में आपने लेना है मसाला सब कुछ। ठीक है, और सुबह 12 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ से, मेरा पेज में रेसिपी अपलोड हो जाएगी, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी जो रेसिपीज़ हैं बीफ और मटन की, काफ़ी सारी वैरायटी है जो ईद के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट वीक होगा, क्योंकि गोश्त तो होता है आप लोगों के पास, तो उसकी मज़ेदार रेसिपीज़ बनाएंगे। बाकी रेसिपीज़ आप नोट करिएगा। किचन में हली रेसिपी स्टार्ट क्यों था। ठीक है, अच्छा चावर लाए पानी में इतने बॉयल कर रखी छो है, बीफ में ठाऊँ पे बिरयानी बीफ या मटन में ठहंदी है। ठीक है, बीफ में ठाऊँ पे तो इन करे बीफ के पैरी असा ठाई छो बसर से गड पटाटा भी इनमें विझी, ताकि पटाटा गरण में टाइम लगता है। प्रोग्राम की टाइमिंग तकरीबन मुझी 50-55 मिनट हों, उनमें बई रेसिपीज कंटिन्यू तैयार नी सकन, छाकाण त गोश्त के गरण में टाइम लगन 30-35 मिनट, कुकर है तो 15 मिनट में थी, न तो पतीले में कलाक भी लगी वो बस दफ़ा। इन कर गोश्त जो है इतना तैयार कर रखी छो, बाकी मसाला टमाटो दही अना कुछ भी ना विधो है। ठीक है, बीफ गलाने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए हमने बीफ हड्डी वाला लिया है 800 ग्राम के करीब, यह है 1 किलो आप कर सकती हैं। ठीक है, गोश्त गला दिया है मैंने पहले से ही प्याज के साथ, इसकी क्वांटिटी मैं बता रहा हूँ आपको, और बाकी इसके लिए जो राइस है उसका भी पानी बॉयल हो रहा है, उसको भी मैं अब बॉयल करूँगा। एक कनी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम बासमती चावल बनाते हैं उसको एक कनी करते हैं, यहाँ पे सेला बिरयानी वाला चावल यूज़ किया जा रहा है, तो इसलिए मैं उसको फुल डन करूँगा। ठीक है, इतने गोश्त जो है 800 ग्राम है, तकरीबन 3.5 पा का मथे आए। ठीक है, हड्डी वालों गोश्त खण जो सभी का पहली 2 गंड बसर जो 1/2 कप ऑयल गरम कर, बसर के हल्को गोल्डन ब्राउन कर, उनमें अदरक थूम जो पेस्ट विधो 2 खाण जहाँ चमचा। ठीक है, उनका गोश्त विझी गोश्त के 5 मिनट तक भुंजणो है घी में ऑयल में, सॉरी बसर से भुंजण का उनमें पानी विझी छो 2-2.5 गिलास हल्की बाहि रखो, गोश्त गरी वो इनमें मैं पटाटा भी विझी छा, पटाटा इनकर विधा ताकि पटाटा असा गरी वन। ठीक है, पटाटा छिलके से गड में यूज़ कया, 4 खया उन 4-4 पीस कर वो वे साइज में, 4 पटाटा खया उन 4 पीस कर वा एक पटाटा जहाँ, वो पटाटा विझी हल्की बाहि दम से रखो है। हाँ तीन दिसो इतने सफा ही तैयार है गोश्त। ठीक है, ऑयल इनको मथे अची वो, हमने लिया 800 ग्राम के करीब ये गोश्त था बीफ का। ठीक है, और ये बिल्कुल तैयार है, सबसे पहले 1/2 कप ऑयल गरम करें। ठीक है, 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, 2 अदद प्याज बड़े गोल्डन कलर में फ्राई करें, अदरक लहसुन का पेस्ट भर के 2 खाने के चम्मच डाला, उसके बाद इसमें मैंने क्या डाला, उसके बाद इसमें गोश्त डाला, हड्डी वाला भी ले लें बगैर हड्डी का, बीफ हो या मटन यहाँ पे बीफ यूज़ किया है, उसको आपने भूनना है 4-5 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद 2-2.5 गिलास पानी डाल के हल्की आँच पर गोश्त गलाने के लिए रख दें। गोश्त गल जाएगा तो फिर आपने इसमें आलू डाल देने, आलू 4 अदद लिए थे उसके 4-4 पीस कर लें बड़े आलू लेके, नहीं डालें तो नाम ज़रूरत नहीं है तो ना डालें। आलू डाल के हल्की आंच पे छोड़ दिया था 10-15 मिनट, आलू तकरीबन 80% गल चुका है। ठीक है, आलू गल गया है, अब क्या किया है चूल्हा बंद कर दिया, ऑयल इसका ऊपर आ गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया कोरमा यहाँ पे तैयार। अब दूसरी साइड पे कोरमा सॉरी इसका मसाला भी बनेगा, दूसरी साइड पे चावल के लिए पानी बॉयल हो रहा है। ठीक है, चावर लाए पानी बॉयल कर, पानी में केतरो खो है 1/2 पतीले का मथे है पानी। ठीक है, इतने आए चावर सेला चावर
बखर टे दफा पानी में धोए यो भी तकरीबन एक किलो का घट टे पा जो करीब चावर टे पा गोश्त है टे पा चावर काफ़ी थी वह छह मानू आराम से खाई सकता एक किलो चावर है तो एक का सवा किलो गोश्त खी वो ठीक है। तीन पाव चावल है, तीन पाव से 800 ग्राम के करीब गोश्त है, बराबर लेवल में रखा है। अगर एक किलो सवा किलो गोश्त है तो फिर चावल एक किलो कर लें ठीक है। इस तरह आपने अगर बढ़ानी है बिरयानी तो फिर चावल और गोश्त और जो मसाले इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो सब आपने बढ़ाने। चावल को आधा घंटे से 40 मिनट 50 मिनट आप जितना भिगोएंगी, सेला चावल है जितना ज़्यादा भिगोएंगे उतना अच्छा होता है ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे इसको भिगोया जाता है। ये भिगो दिया मैंने ठीक है, 1.5 घंटा हो चुका है इसको भिगोए हुए। अब यहाँ पर पानी जो बॉयल हो रहा है, पानी में क्या डाला है, साबित गर्म मसाला है जिसमें 1 अदद तेज़पत्ता गया, मैं साथ साथ राइस भी डाल देता हूँ, 1 अदद बड़ा तेज़पत्ता, 1 अदद दालचीनी की स्टिक ठीक है, 2 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, 4 से 6 अदद लौंग, 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगा नमक, पानी वे पतीले में बॉयल का जो 4 का 5 जग पानी आए ठीक है, 5 जग खड़ी वो 1 वो तेज़ पत्तो उनके अलावा दालचीनी की 1 डंडी वो फोटो ब नंढा फोटा 4 अदद लौंग 4 का 6 अदद साबित कारा मिर्च 1 चाय जो चमचो अच्छो जीरो 1 खाण जो चमचो विधो है बॉयल थे पे पानी में कलर अची वो हाँ विजासी 1.5 खाण जो चमचो का 2 खाण जो चमचा छोकि 3 पा चावर तो 2 टेबल स्पून भरे इनमें मां लूण विझी छो आई। अगर 1 किलो चावर तो 3 टेबल स्पून लूण विझो, 3 पा चावर तो 2 टेबल स्पून लूण विधो ठीक है। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून नमक डाल दिया है 3 पाव चावल के हिसाब से, 1 किलो चावल है तो आप 2.5 से 3 टेबल स्पून नमक डालेंगे ठीक है। नमक इसमें बॉयलिंग में आ गया, अब हमने क्या करना है चावल इसमें डाल देना है। ये 10 मिनट हमने बॉयल करना है चावल, 1 कनी से ज़्यादा बॉयल होगा फुल डन होगा ठीक है। बासमती चावल यूज़ करेंगे बिरयानी वाले तो वो आपने 7 मिनट बॉयल करने सेम मेथड से और उसको आपने 25 मिनट भिगोना है ठीक है। बासमती चावल अगर बॉयल कर दो तो वो 25 मिनट पिसाइबा आए उनके तहाँ 7 मिनट तक बॉयल करो। इतने हाँ कह गोश में विझासी टमाटर ठीक है, गोश हमारा गला हुआ है प्याज के साथ, इसका कलर आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, ब्राउनिश टोन में आ रहा है ठीक है। इस तरह का कलर होना चाहिए, ब्राउन प्याज का इसमें कलर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा गर्म करता हूँ इसको, फिर इसमें हम डालेंगे 2 बड़े टमाटर या 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर चॉप किए हुए, 2 वा टमाटा या 3 अदद नंढा टमाटर दरमियाने साइज़ जहाँ इनमें विझी छॾिया आहिनि ठीक आहे। कटिंग करे विझी छॾो टमाटर के, टमाटा विझण सां गॾु हिनखे थोरो मिक्स कंदासीं ठीक है। टमाटर मिक्स करके इसमें हम मसाले डालना शुरू करते हैं, चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया। मसाले क्या क्या जाएंगे कोरमे के लिए वो अब आपने नोट करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट पहले ही डला हुआ है मैंने, अब नहीं डाला ठीक है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि ये 3 पाव से ज़्यादा है, 1 किलो तक हम बनाएंगे तो 2 चाय के चम्मच नमक जाएगा ठीक है। 2 टेबल स्पून नमक चावल में, 2 चाय के चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच लूण, हेड विझंदासीं 1 चाय जो चमचो भरे, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के डालना है ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच भर के, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1.5 चाय का चम्मच ठीक है, 1.5 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च चली गई। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर चला गया ठीक है। कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फैसल भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं परवीन बात कर रही हूँ जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोग्राम देख रही हैं? जी अल्लाह का शुक्र देख रही हूँ जी जी। कोई फरमाइश है आपकी, कुछ कहना चाहेंगे? फैसल भाई मैंने आपको रबड़ी का बोला था ईद से पहले बनाना सिखा दें। क्या चीज? रबड़ी। रबड़ी मेरी बहन यहाँ पे बन नहीं सकती, क्योंकि रबड़ी को बनाने के लिए 4 से 5 घंटे चाहिए होते हैं, जो 5 किलो दूध से जाके 1 किलो रबड़ी बनती है। उसका तरीकेकार मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद बना लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं फोन बंद करती हूँ, आप मुझे बता देना। ठीक है मैडम, ठीक है ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा इसको हमने भूनना है ठीक है। वरी बुधाएं तो सभी का पहरी 1/2 कप ऑयल खणजो, 1/2 कप का थोड़ो मथे ऑयल खणजो, 2 गंढ बसर जो गोल्डन फ्राई कजो, अदरक थूम जो पेस्ट 2 खाण जा चमचा विधा, उनके भुने उनमें गोश्त विझंदो, 3 पाका 1 किलो के दरमियान गोश्त विधो, गोश्त के 5 मिनट भुनने का 2.5 गिलास पानी विझी
हल्की बाहे ते छड़ी वटो या कुकर में ठाई वटो गोश्त गरी वो उनमें पटाटा चार अदद पटाटा खड़ो या चार चार पीस खड़ो वे पटाटन जो ठीक है वो विझी पो इनके तुम हल्की बाहे ते छो 10-15 मिनट में पटाटा गरी वा ऑयल मथे अची वो उनमें टमाटा एड कंदी घना ब वा टमाटा या 3 दरमियाने साइज टमाटा एड कयान उनका टमाटा मिक्स कर 2 मिनट का इनमें मसाला विझो जैमें हेड 1 चाय जो चमचो भरे विझो पीठल गाढ़ा मिर्च 1.5 चाय जो चमचो भरे विझो लूण 2 चाय जो चमचा भरे विझो उन धाणा पीठल 3 खाण जो चमचा भरे वेदा ठीक है अना कुछ भी हेड को इनके थोड़ा भुजंदी गोश्त सफा गरियल है ठीक है। सबसे पहले ऑयल 1/4 कप ऑयल लिया, ऑयल आपने गर्म किया उसके बाद आपने इसमें 2 अदद प्याज बड़े डाल के गोल्डन फ्राई करना है प्याज को। प्याज के बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद उसमें आपने गोश्त डाल देना है 3 पाव से 1 किलो के दरमियान गोश्त हड्डी वाला या बगैर हड्डी का गोश्त डालने के बाद आपने क्या करना है कि इसको भूनना है 4 से 5 मिनट। गोश्त भूनने के बाद आपने 2.5 गिलास पानी डाल देना है। 2.5 गिलास पानी डालने के बाद हल्की आँच पर कवर करके गोश्त को गलने के लिए लगा दें या कुकर में गला लें। फिर उसके बाद आपने इसमें आलू डाल देने, 4 अदद आलू 4-4 पीस करके डाल दिए और हल्की आंच पे छोड़ दें। अगर गोश्त से पानी ड्राई हो गया जल्दी तो फिर आलू के साथ आप 1-1.5 कप और पानी डाल सकती हैं। आलू गल जाएगा आपका, 80% आलू गल जाए, फुल गलाना नहीं क्योंकि आलू टूटना शुरू हो जाएगा ठीक है। उसके बाद आपने इसमें टमाटर डाल देने, 2 बड़े टमाटर या 3 टमाटर चॉप करके डालेंगी। टमाटर को आपने नरम करना है। उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर 3 खाने के चम्मच डालें ठीक है। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला और अभी मैं भून रहा हूँ क्योंकि अदरक लहसुन हमारा ऑलरेडी पहले डाला हुआ है। इसको भूनना है, खुशबू आने लग गई है अब इसमें। अब हम क्या इसमें डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे दही। दही कितना जाएगा, पूरा 1 पाव दही इसमें जाएगा ठीक है। हाँड़े माँ छा विझंदम इनमें दही, दही विझंदम 1 पाव, ये 1 पाव दही अच्छी तरह बीट करके इसमें डालना है ठीक है। 1 पाव दही, 1 पाव दही इनके अंदर हली विंदी ठीक है। पूरा 1 पाव दही चला गया, दही डाल के इसको हमने करना है मिक्स। गोश्त गला हुआ है इसलिए कोरमा जल्दी तैयार हो रहा है, प्रोग्राम के हिसाब से मैंने पहले ही गोश्त गला लिया ठीक है। 1 पाव दही डाल के आपने मिक्स करना है, कवर नहीं करना है। इसको कवर करेंगी तो दही पानी छोड़ देगा, हमने पानी नहीं डालना है इसमें, ना दही का पानी आना चाहिए, इसी तरह का ये कोरमा बनेगा ठीक है। अब यहाँ पे आके हमने क्या डालना है, जब दही में बॉयलिंग आएगी 2 मिनट में उसके बाद हम क्या डालेंगे ठीक है। दही भी थी, दही का पोन में विझंदासी पीठल गरम मसालो, पीठल गरम मसालो 1 चाय जो चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला फुल भर के 1 चाय का चम्मच डाल दें ठीक है। पिसा हुआ गरम मसाला डाला, इसको फिर हल्का सा मिक्स किया, ज़्यादा स्पून ना चलाएं, आलू ज़्यादा गला हुआ भी ना हो, सही हो आपका आलू ठीक है, टूटे ना। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें डालना है आलू बुखारे। आलू बुखारे 6 अदद डाल रहा हूँ, 6 से 8 आलू बुखारा ये देख लें इस तरह का होता है आलू बुखारा, ये मिलंदा आहिनि हिन तरीक़े जा खुश्क आलू बुखारा, ये तव्हां विझी सघो था ठीक है। आलू बुखारा इनमें 6 वेंदा, ये दिखाई गली भाई ठीक है। ये 6 से 8 अदद आलू बुखारा, अगर आलू बुखारा नहीं है तो इमली भिगोने से पहले जैसे ड्राई इमली होती है इमली के पीसीस डाल दें, वो भी आलू बुखारे की जगह आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है। गिदामड़ी विझी सघो था अगर आलू बुखारो ना है। हाँ छा कंदासीं हिन में बाकी शयूं छा वेंदियूं, हिन में वेंदो हे सारो मसालो मथां खां। चावल बॉयल हो जाएगा, उस दम लगाने से पहले इसमें जाएगा 1 अदद टमाटर स्लाइस में कटिंग किया हुआ, 1 अदद नींबू स्लाइस में कटिंग किया हुआ, हरा धनिया पुदीना 1 कप जितना फाइन चॉप किया हुआ, अदरक बारीक जुलियन कटिंग की भी 2 खाने के चम्मच जितनी और 6 से 8 अदद हरी मिर्चें साबित ठीक है जी। इनमें छाछा विंदो 1 अदद टमाटो स्लाइस में कटिंग थियल, 1 अदद लीमू स्लाइस में कटिंग थियल, 1 कप जितो सावा धाणे पुदनो और 2 खाने के चम्मच अदरक पारचन में कटिंग थियल है बारीक और 6-8 मिर्च वा। ब्रेक जो टाइम थे पे ब्रेक के दौरान मैं चावर के कटी वठंदम छाणी में वटू तो शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक का पची रेसिपी कंटिन्यू कंदी। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेको कोरमो बि ठाहियो ऐं बिरयानी जी तयारी आहे जंहिंमें चांवर असांजा बॉयल थी विया आहिनि ठीकु आहे। बिरयानी के लिए जो कोरमा था वो मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आप देख सकते हैं इसकी शकल, इसमें आलू भी नज़र आ रहे हैं और कोरमा बिल्कुल परफेक्ट ये बना है जो बिरयानी का। इसकी रेसिपी मैं फिर रिपीट करा दूंगा ठीक है। हाँ जडे चांवर है बॉयल कया, 1 कणी कोन कया आहिनि, हे पूरा फुल डन आहिनि ठीकु आहे। हे ॾिसो सेला चांवर
बिल्कुल परफेक्ट। ये बॉयल करने हैं आपने 10 से 12 मिनट में ही बॉयल हो जाएगा सेला चावल। बॉयल होने के बाद मैंने इसको छन्नी से निकाल दिया, पानी इसका ड्रेन कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने चावल निकालने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे टमाटर बिछाने हैं इसके अंदर। एक अदर टमाटर के स्लाइसेस बना के 6 से 7 स्लाइसेस इस तरह आपने टमाटर के स्लाइसेस लगा देने। उसके बाद आपने इसमें लेमन के स्लाइसेस लगा देने, ठीक है। ये दिखा जो लीमे जा स्लाइसेस लगाई छा जो, ठीक है, लेमन स्लाइसेस डाल दिए, ठीक है, इस तरह। फिर उसके बाद हरा धनिया पुदीना कटिंग किया हुआ, आधा गट्ठी हरा धनिया आधा गट्ठी पुदीना डाल दें। उसके बाद अदरक है 2 खाने के चम्मच जितनी अदरक फाइन चॉप की हुई जूलियन कटिंग में। सबनी का पेरी टमाटे जा स्लाइस, एक टमाटे स्लाइस है, वो होने का पो जी लीमे जा स्लाइसेस, होने का पो अदरक पुदनो एक कप जितरो, होने का पो सॉरी सावा धाणा आई है ना फूदनो एक कप जितरा चॉप थियल, अदरक बखंड जा चमचा फाइन चूलियन कटिंग थियल है, सावा मिर्च जे मथा घणा विंदा 6-8 अदद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फरजाना शाह। मैंने सोचा था आज फैसल को फोन नहीं करूंगी, लेकिन आपकी रेसिपी इतनी अच्छी और इतनी अच्छी लग रही, उसको अभी दिखाया ना फोकस, बड़ी जबरदस्त लग रहा, कलर वगैरह सब माशाल्लाह बहुत अच्छा जबरदस्त। क्या चीज, कौन सी रेसिपी? बिरयानी, बिरयानी जो बना रहे हैं। हाँ, ईद के लिए बना रहा हूँ ये। हाँ अरे सर, प्यारा कलर लग रहा था अभी फोकस किया ना। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था कलर, इसलिए आपने जज्बात में आके फोन कर दिया, वरना नहीं करती। अब मैं बस आपको जो ना शेफ बिरयानी वाले बोलना शुरू करने वाली हूँ, ठेला लगाता हूँ बिरयानी का। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे है आपकी रेसिपी, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से, अब आपका शायद कल का होगा ना प्रोग्राम जी, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, खैर मुबारक, जो भी तमाम मुसलमान भाइयों का हज मुबारक, और 14 अगस्त की वो चो तो निकल गई है, लेकिन 14 अगस्त मुबारक सबको, नया पाकिस्तान भी मुबारक। नया पाकिस्तान, हाँ देखें बस अल्लाह सबके लिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बाकी तो बस इंशाल्लाह, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो इंशाल्लाह। सारी दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये तेज पत्ता है इसमें, ये चावल पूरे गर्म होने चाहिए, ठीक है। गर्म चावल जितना सुठा होंदा जल्दी दम अची वेंदो, ठीक है, जल्दी सुठा ठही वेंदा गर्म चावल। और फैला हुआ पतीला हमेशा यूज किया करें, बिरयानी के लिए डीप तो हो लेकिन फैला हुआ बड़ा पतीला, चाहे कि बिरयानी कम है लेकिन बड़ा पतीला यूज करेंगे, उससे क्या होगा चावल दबता नहीं, और सेला चावल ऐसी चीज है कि कभी दबता नहीं कभी टूटता नहीं है, ठीक है। हाँ चकंदी चावर विझी छड़िया, चावर विझण का पोजे मत विझंदी बनस्पति घी। बनस्पति घी से क्या होता है, जो चावल हमारा बॉयल हुआ हुआ उसमें ड्राइनेस नहीं आती, टेस्ट आता है। ऑयल ना डालें बनस्पति घी, ऑयल तो हमने कुकिंग में डाला, बनस्पति घी इस तरह फैला के 3 खाने के चम्मच जितना डाल दें, ठीक है, फैला दें इसके ऊपर, गर्म चावल पर खुद ही ये फैल जाएगा। 3 खंड चमचा बनस्पति घी विझी छो, ठीक है। हाँ विझंदी खीर, आधा कप जितना दूध इसके ऊपर जाएगा, इससे क्या होगा चावल आपका सॉफ्ट रहेगा। आधा कप दूध चला गया, ठीक है। हाँ विझंदी बता जर्दे जो रंग आई वे छा है केवड़ा वाटर, केवड़ा वाटर ना है तो अरके गुलाब खाने जा चमचा खाणी वर्जो, ठीक है। केवड़ा वाटर नहीं है तो अरके गुलाब आपने 2 खाने के चम्मच ले लेना है, और जर्दे का रंग जो येलो फूड कलर होता है वो हमने डाल देना है 1/2 टीस्पून जितना जर्दे के रंग में मिला दें, ठीक है। जर्दे जो रंग में केवड़ा वाटर में जर्दे जो रंग 1/2 टीस्पून चंगी तरह मिक्स करे छो, यो मथा का फैलाए छो, ठीक है। इससे क्या होगा कलर बहुत अच्छा आएगा, थोड़ा सेंटर में और डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्पेशल एक फ्लेवर जो आता है बिरयानी का, जैसे देगी बिरयानी में आता है, उसके लिए हमें क्या डालना है, जायफल जावित्री 1/2 ले लें ये देखिए, और 8 अदद छोटी इलायची, जायफल है जावित्री, जायफल जावित्री और 8 अदद छोटी इलायची, ठीक है। इसको हमने ब्लेंडर में उसमें पीस के, ठीक है, और ये पाउडर डालना है, इससे क्या होता है बहुत अच्छी खुशबू आती है। चाहे तो 2 अदद लौंग भी डाल दें, मैं लौंग नहीं डाल रहा हूँ तो जस्ट ये डाल रहा हूँ, ठीक है। जायफल जावित्री 1/2 चाय जो चमचो, 1/2 ले लें जावित्री, जायफल ले लें और जावित्री के 2 स्टिक्स ले लें, और ये अच्छे से ब्लेंड करके ऊपर से डाल दें, चंगी तरह पीसे, ठीक है। अभी ये प्याली में निकाल रहा हूँ, और ताकि जो उसका छिलका है इलायची का वो ऊपर आ जाएगा इस तरह, वो छिलका आपने हटा देना है,
इलायची जो छिलको ताकि मुंह में ना आए, इलायची का छिलका हटा दिया, ठीक है। नंढे पुटन जो छिलको हटाई छोड़ो अही पाउडर इनके मथा अची वो बिरयानी के ज़बरदस्त इनका खुशबू इंदी। ये देगी बिरयानी जो शादियों में होती है हम खाते हैं वो इसी तरह बनती है। अब ये कवर कर देंगे। कवर करने के बाद आपने चूल्हा 4-5 मिनट तेज़ करना है, फिर उसके बाद आपने इसको दम पे रख देना है। 25 मिनट में आपकी बिरयानी हो जाएगी तैयार। स्पेशल ईद जी बिरयानी है मज़ेदार जी, फरमाइश भी ढी अच्छी पी, ज़रूर तुम ट्राई कजो बुधाए जो ईद का पोठाई कि ठीक है। मटन भी सेम तरीके से ठो। हाँ इंदी पावन थे मटन जा पावा, मटन पाया वो कैसे बनता है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। 4 अदद पाए मटन के ले लें। अगर गोश्त डालना चाहती हैं तो आधा किलो गोश्त डाल सकती हैं। सिरी डालना चाहती हैं, बहुत जगहों पे क्या होता है सिरी पाए साथ बनते हैं, ठीक है। मटन की सिरी और पाए वो आपने ले लेना है। गोश्त डालना चाहें तो गोश्त से क्या होता है थोड़ा अच्छा लगता है। देख मैंने इसमें नहीं डाला हुआ, ठीक है। ये ॾिसो हे मटन जा 4 पावा हैं इनके अंदर। ग्राइंडर हटाई छॾियां, ठीक है। मटन पाए ये देखें इस तरह के, अच्छा ये बड़े पीसेस में ही कटवाने हैं आपने, ठीक है। ये देखें मटन के पाए 4 अदद हैं। इसको बॉयल करना है। किस तरह इसको बॉयल करने के लिए आपने इसमें डाल देना है गरम मसाला साबित, जिसमें 1 अदद दालचीनी, 6-8 अदद आपने साबित काली मिर्च डाल देनी, 2-3 अदद लौंग डालनी है, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1 अदद तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, ठीक है। और नमक इसमें नहीं डाला है। और लहसुन के 6 जवे, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का चॉप करके, और 1 अदद छोटा प्याज दरमियाने साइज़ का 20-2 करके डालें। और पानी इसमें तकरीबन 2 जग 2.5 जग डाल दें। हल्की आंच पे पकता रहे, जब ये गाढ़ा हो जाएगा 1.5 जग जितना पानी रह जाएगा तो आपके मटन पाए हो गए तैयार। फिर इसको फ्राई किस तरह करना मसाले में बताता हूँ। कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आदाब। अच्छा हाल है नदी शाजिया? हाँ दा मैं बिल्कुल ठीक आया। तां उधर तां की आयो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, तां जी दुआओं। हाँ दा बिल्कुल तमाम जबरदस्त रेसिपीस बुधाए पर माता फोन ते बुधा थी या था। अच्छा लाइट ना है जा? ना दा जो लाइट अली भैया हम दरे सनी आया। अच्छा आज तो रिलाइट ना है मां, मतलब बिन टिन का सोचो पे दादा के जवा तो ये रेसिपी तो डाडी सुठी बैठा है। पर जो मसाला होना है ना, जी कढ़ाई जो मसालो थी यो, ये ड्राई मसाला थी ना, बिरयानी जो मसालो थी यो, ये सांगे थोड़ा बुधा जाओ, ठीक है। आगे बुधाया भी आएन पर वरी वो मिस्ती ना कैसे लिखे लो ना, ठीक है। मां ये क्या तो हाने का टाइम मिले तो मैं वर्बली बुधाई छंदम, न त मां ताके पेज ते आई ताके व्हाट्सएप ते ताजे मैसेज कई छदम ताजे मसाला सजा पूरा। बिरयानी जो खपे, कढ़ाई जो खपे, बियो बारबेक्यू खपे ताके? हां हा, दा बस द मुका विसरी हो बारबेक्यू जो ता मुके मैसेज जो आई का रेसिपी हो या भी बता जो मा YouTube ते रिसीव अठनस मा रिसीव अठनी आया उने ते। अच्छा ठीक है, ता मुके मैसेज कर छजो जेको जेको ताके मसालो खपे ना होममेड मा ताके बुधाई छदम सजो पीसे छजो पाणी, ठीक है। आदा ताके एडवांस पे ईद मुबारक तमाम सरवार बेनुरन के भी अदी सायरा गंबट वाली के अदी सायरा सखर वाली के ओया भी मतलब काल भी निकल दी हाले काते गुम थी भैया अलै तोतन दा गनु डामी हो गया लगे तो। हां बस पड़ी सदी रहनी है प्रोग्राम पर, आज वरी लाइट ना है, आज वरी मन पीड़ी साहब। हेलो ठीक है, पंजो खोड़ सारो ख्याल रखो, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा यहां पे पाए हमने सब बॉयल किए, ठीक है। पावा किए बॉयल करना है 4 अदद पावा। अगर सिरी खाना चाहो था सिरी भी विझी सको था। पावन से अगर 1/2 किलो गोश्त की बूटियों करे वो भी विझी सको था, न तो 4 पावा भी विझी सको था, ठीक है। इनके बॉयल करने लाए सभी का पहली इनके चंगी तरह अट्टे से मले धोए जो ताकि इनका वार खत्म थी वन। उनका छा कद इनके बॉयल कर ला 2.5 जग 2 जग पानी पंज अंदाजे से विझो जितनी तक ग्रेवी खबर 2.5 जग जो पानी भी छो, ठीक है। 10 गिलास थी वो पानी 10 गिलास इन करे कहीं इनमें गरण में टाइम लग जैसे गरी वी 4-5 गिलास पानी रिझे शोरबो खे नान से खाबो सुठो लग। गरम मसालो विझो 1 अदद तेज़पत्तो, 1 दालचीनी की डंडी, 1 वो फोटो, 3-4 अदद नंढा फोटा, लौंग विझी छो 4 अदद, साबित कारा मिर्च 6-8 या 10 अदद भी विझी सो था, अछो 0-1 चाय जो चमचो, ठीक है। इनके बॉयल कजो पानी में आई गड थूम जी 6-8 गणियों खड़ी वो साबित विझ छो, अदरक जो 1 इंच जो टुकड़ो विझी छो 2-3 पीस कर इनके बॉयल कजो जैसे सफा बॉयल कर इन शक्ल से अची वन, ठीक है। ऐसो सूप वागर बिल्कुल तक लगन ऑयल इनमें ना ही पांजो इनकी चिकनाहट होंगी है वही इनके मथा अची वही है तरी अची वही है, ठीक है। इन तरीके से ही बिल्कुल बॉयल थी वा एतो ही घाटो थे येलोइश शेड अचान खे ये तैयार थी वन पावा अस बॉयल। हाँ जो मसालो ठो वो क्या ठो वो तक बुधा तो, ठीक है। पाए का मसाला बनाते हैं फिर पाए
इसमें भून के और उसका फिर ग्रेवी ज़बरदस्त बनेगी। अच्छा, पाए में हमेशा दही डलती है, कभी भी टमाटर, बहुत से लोग मैंने देखा है टमाटर डाल रहे होते हैं, ओरिजिनल जो रेसिपी होती है इसमें टमाटर नहीं डलता है। बिरयानी हमारी हो गई तैयार हो रही है, यहाँ पे हम ऑयल लेते हैं। पहले मैं इसका पानी ड्राई कर लूँ। ठीक है, इनमें ऑयल असां विझंदासी तकरीबन 6 खाइण जा चमचा, छाकाणि त हिन में ऑलरेडी चिकनाहट हूंदी आहे, ऑयल हिन जो पंहिंजो बि निकिरंदो आहे, त 6 खाइण जा चमचा ऑयल काफ़ी आहे। ठीकु आहे, 6 टेबल स्पून ऑयल काफ़ी है, क्योंकि पाए जब हम बॉयल करते हैं उसमें ऑलरेडी इतनी चिकनाहट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा घी की तरफ ये हाथ में आएगा, इसलिए 6 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया क्या ऑयल। हल्की आंच करे था चलूँ। हाणे हिन में विझंदासी अछो ज़ीरो, एक चाय जो चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा चला के एक चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि उसमें जो अदरक लहसुन डाली हुई वो हम निकाल देंगे, तो अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें कितना जाएगा, 2 खाने के चम्मच, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया। ठीक है, 2 खाने जा चम्मच अदरक जो पेस्ट हलियो वो आएँ, हिन का पोइ हिन के थोड़ो सो भुंजंदासीं ज़ीरे के ऐं अदरक तुंहिंजे पेस्ट खे। ठीक है, ज़ीरा अदरक लहसुन का पेस्ट आपने हल्का सा भुना, खुशबू आने लगी है। ठीक है, हल्की आंच पे, तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए ताकि जले ना, ज़ीरा भी ना जले अदरक लहसुन भी ना जले। जैसे इसमें खुशबू आने लगेगी हम इसमें डालेंगे मसाले हल्की आंच करके, जिसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है, मसालन में आने वाली हल्दी पाउडर 1 चाय के चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय के चमचो, पीठल दाणा 2 चाय का चमचा, ऐं लूण 1 चाय जो चमचो भरे। ठीक आहे, लूणु घटि थी वञे त बाद में विझी सघंदा, वधीक थी वियो त न विझी सघंदा। किसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय का चम्मच डाला है। ब्रेक पे भी जाने वाले, तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं क्या करूँगा, दही है 4 टेबल स्पून दही। ठीक है, 4 खाइण जा चमचा दही जल्दी सां फेटे चङी तरह हिन जे अंदरि विझंदासीं, ऐं पोइ मां चुल्हो बंदि करे वठंदमि। ठीक है, मैं दही को बीट करके इसके अंदर 4 टेबल स्पून दही डाला, अब मैं इसको मिक्स करके चूल्हा बंद कर रहा हूँ, ब्रेक से आके रेसिपी कंटिन्यू करें, बट टू टेक इन शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेको पावन जी रेसिपी ठहे पई हुन लाइ मसालो तयारु थिए पियो। ठीकु आहे, पावा बॉयल थियल आहिनि, तव्हांखे मां पहिरीं ॿुधाए छॾियो कीअं बॉयल थिया आहिनि, हाणे पावन खे असां हिते छाणंदासीं। ठीकु आहे, पाया जो बन रहा है इसको हमने छान लेना है, ताकि जो साबित गरम मसाला है वो सब निकल जाए और इसकी जो यखनी है वो नीचे की तरफ आए। ठीक है, स्टैंडर्ड से मैंने सारा छान लिया, अब क्या करेंगे इसमें से जो पाया है वो अगेन बॉल में डाल देते हैं, ताकि उसको फिर हम करेंगे फ्राई। ठीक है, ये मटन का पाया, अच्छा बीफ पाए भी इसी तरह बनते हैं। ठीक है, बीफ जा बड़े जा पावा भी इन्हीं तरीके से ठाना है, ये सब कढ़ी वो यखनी जेका वह हेठ हली वही है। ठीक है, इनमें क्लियर थी वही है, साबित गरम मसालो अदरक थूम ये सब निकली वी, अदरक लहसुन वगैरह सब छोड़ दे इसमें, ये पाए सब आपने निकाल देने, जो साबित गरम मसाला है वो अलग हो गया, ये सब मैंने अलग कर दिया। ठीक है, इस तरह आपने इसको क्लियर कर देना है। अच्छा, इसमें साबित लाल मिर्च भी डाल दिए 1 से 2 अदद, अगर आप डालना चाहें तो फ्लेवर के लिए। ठीक है, बॉयलिंग में ये देखिए ये मसाला जितना है ये सब हटा दिया मैंने। ठीक है, ये सब हटी गया, ये कें कम जो ना हटे गार्बेज कर छो, हाँ छा कंदी अगेन ॿुधायां थो, 6 खाइण जा चमचा ऑयल गरम कयो, हुन में विझंदासीं अदरक तुंहिंजो पेस्ट 2 खाइण जा चमचा, लूणु 1 चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, हेड पीठल 1 चाय जो चमचो, पीठल धाणा 2 चाय जा चमचा विझी मसाले खे भुञो, हुन में ॾही 4 चाय जा चमचा, 4 खाइण जा चमचा ॾही चङी तरह फेटे उहो विझी छॾिजो, मसाले जो कलर ॾिसी सघो था हिन तरीक़े जो ॻाढ़ो कलर हूंदो। ठीक है, हीअ ॾिसो मसाला, 6 टेबल स्पून ऑयल गरम किया, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें,
दो खाने के चम्मच, एक चाय का चम्मच जीरा डाला सफ़ेद, हल्का सा भूना, उसके बाद इसमें पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक एक एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर दो चाय के चम्मच डाल के मसाला भूना, फिर इसमें दही डाल दी, चार खाने के चम्मच दही डाली, दही डाल के उसको अच्छी तरह भून लें, फिर पाए जो बॉयल किए हुए हैं उसको आपने छान लेना है, और जो पाए हैं वो सारे आपने इसमें 2 से 3 मिनट तक भून लें, फिर जो यखनी इसकी छान के रखी हुई है वो ऊपर से डाल के इसको हल्की आँच पे 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर 2 से 3 मिनट इसको भूनना है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लेवर आएगा मसालों का आना चाहिए, बिल्कुल फीका पन्ना पाए में, ठीक है, मसालन जो फ्लेवर इंदो पावन के भुनण में तमाम सुठा बॉयल थे रहन, हथ मुझा बिल्कुल चिमड़न पिया इन्हीं तरीके से बॉयल थींदा, ठीक है, उंगलियां चिपक रही होती हैं, ये बिल्कुल पाया निशानी होती पाए की, ठीक है। अब क्या होगा, इसको भूनने के बाद इसमें यखनी डालेंगे 2 से 3-4 मिनट भूनते। अच्छा, आपने कॉल की थी हैदराबाद से शायद कि रबड़ी बनाना सिखाएं, ठीक है, रबड़ी किस तरह बनती है। रबड़ी के लिए हमें चाहिए 5 किलो दूध, ठीक है, 5 किलो दूध को आपने बड़ी कढ़ाई में या बड़े पतीले में हल्की आंच पे पहले बॉयल कर लें, फिर उसको हल्की आंच पे पकने दें, जब वो पकना शुरू होगा उसके ऊपर लेयर आती जाएगी मलाई की, वो एक स्पून से आपने चारों तरफ साइड में निकालते रहें, ठीक है, साइड में करते जाएँ लेयर मलाई जमती जाएगी साइड में करते जाएंगे, जब वो 1 किलो के करीब आने लगेगा दूध तो इतना गाढ़ी मलाई हो चुकी होगी कि दूध पूरा ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल लच्छा सा रबड़ी का बनने लगेगा, फिर जब वो 1 किलो के करीब या 1.5 किलो के करीब रह जाएगा ना, फिर उसमें आपने 1 से 1.5 कप चीनी डालनी है, ठीक है, चीनी डाल के फिर उसको हल्की आंच पे पकाएं, पकाते रहें, स्पून चलाते रहें, बिल्कुल रबड़ी तैयार हो जाएगी। इलायची का पाउडर डाल दें उसके ऊपर 1 से 1.5 खाने का चम्मच, और उसको मिक्स करें, मिक्स करने के बाद अपने उसको ठंडा कर देना, मज़ेदार ये रबड़ी तैयार हो जाएगी, लेकिन 3 से 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं, और बहुत एहतियात से चूल्हे के साथ रहना पड़ता है, बार बार वो स्पून से साइड में करते रहें, चारों तरफ करते रहें, मलाई वो खुद ब खुद रबड़ी की तरह बनती जाएगी, ठीक है, इस तरह रबड़ी बनती है। इसको भूनने के बाद अब मैंने इसमें ये यखनी है पाए की, ये तकरीबन 4 से 5 गिलास रह गई थी, ठीक है, बॉयल करने के बाद 10 गिलास पानी था, वो 4 गिलास 5 गिलास रह जाए। अब इसको आपने मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद इसको कवर करके हल्की आंच पे छोड़ दें 25 मिनट तक, ठीक है। आखिर में गरम मसाला पाउडर जाएगा और सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच जाएगा, ठीक है। पहले तेज़ आंच करते हैं, इसमें बॉयलिंग आए, बॉयलिंग आने के बाद इसको हल्की आंच कर देंगे। बिरयानी भी असाई तैयार थी भैया, बेहतरीन रेसिपीज़ आइन आई ईद जिला ये रेसिपीज़ मां जिला खड़ी आया हुआ आई माँ भी तक चाहम एडवांस ईद मुबारक छाकर था, अगर सुबह कॉल नी मिले ती या कुछ तो ईद में मज़ेदार रेसिपीज ठाए जो, ठीक है जी। कॉल वो था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केरे किथा गलायो पया? अब्बा खुदायो सर, चंद कोन का जेडी पावन जी फरमाइश कई थे सर। अच्छा ठीक है, पावा दिसो पया जी ता? जी सर, जी आया से ता पावा दिसूंगा, माशाल्लाह सही नहीं बिल्कुल इनी तरीके से ठाए जो वो बुधाए जो के ता के किए लगा? माशाल्लाह सही है सर, एडवांस में ही दो जी मुबारक ता के भी सही ता के मुबारक जी मुबारक, ठीक है, पर इंशाल्लाह बुधाए जो मुझे ईद का कॉल करे, ठीक है, पर ख्याल रखो। अच्छा बिरयानी असाजी तकरीबन अली भाई टाइम कितना है? बिरयानी भी तकरीबन तैयार थी भैया, साइड्स का धूं अचन लगंदो है त ये खुशबू जेडी सुठी अच्छे पे जेको मां मथा जायफल जवेत्री 7 मिनट, ठीक है, जायफल जवेत्री अगर नथी मिले त पो छाका जो लौंग खणी वट जो 4 अदद 10 का 12 अदद नंडे फोटन जो पाउडर, ठीक है, यो भी तां विझी सको था अगर जायफल जवेत्री ना है, ठीक है, अगर जायफल जवेत्री नहीं है आपके पास फिर आप सिर्फ 4-5 अदद लौंग ले लें और 10 से 12 अदद छोटी इलायची को मिला के पीस लें, वो भी आप डाल सकते हैं। ये हमारे हो गए राइस तैयार, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, ठीक है, जो ज़बरदस्त कलर अचे पे 5 मिनट हमेशा छडंदा कयो, छाकाणि त फौरन जॾहिं असां हिन में चमचो हलाईंदा त हुनखां छा थींदो आहे चांवर टुटी पवंदा आहिनि, ठीक है, फौरन छोड़ दे करे स्पून न चलाए करे उससे क्या होता है कि चावल टूटना शुरू हो जाता है, तो हमेशा इसको थोड़ी देर छोड़ा करें, उसके बाद आप इसको फिर मिक्स किया करें, स्पून लेते हैं, ठीक है, इसको वहाँ पर रखते हैं और फिर आपके सामने मैं इसको खोलता हूँ बिरयानी को। बार बार रिपीट कराने का मकसद ये होता है कि आप लोग अच्छी तरह रेसिपी आप लोग को याद हो जाए, ठीक है, पूरी 1 किलो बिरयानी है। अब क्या करेंगे, साइड से इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलें, ठीक है, इन तरीके से हल्के हाथ से खोलें, इन तरीके से मिक्स करना उन्हें, खुशबू डाढ़ी सुठी अच्छे पे चाकर था, बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी ठही है जी। इस तरह आपने स्पून चला के पहले इसको खोलना होता है, ठीक है, एकदम डायरेक्ट बीच से स्पून चला के आप लोग ने कभी भी इसको ख़राब ना करें, इस तरह इसको खोलना शुरू करें ताकि अंदर तक जो चावल ऊपर हैं वो सब अंदर मसाले तक चले जाएँ।
फिर इसको घुमाएं इस तरह, आहिस्ता सा इस तरह पलटा दें। पलटाने से क्या होता है कि मसाला अंदर से स्टीम भी निकल जाती है और मसाला अच्छा सा बिरयानी में मिक्स होने लग जाता है। बहुत ज़ोर ज़ोर से स्पून ना चलाएं कि मिक्स करने के चक्कर, इस तरह हमेशा बिरयानी को खोला जाता है। ठीक है, चारों तरफ से खोल दिया, लग भी नहीं रही नीचे, बहुत एहतियात से बनाइए, हल्की आँच पे बनाएं ताकि लगे भी ना नीचे से। और तवा रख लें, अगर सिल्वर वाला पतीला है तो फिर नीचे तवा रख दें। ठीक है, अगर सिल्वर जो पतीलो है, मोर दरख नॉन स्टिक पतीलो है तही लगन तो कोने, लेकिन तहाँ अगर सिल्वर जो पतीलो है तो वो हेठा तव रखी छो बिरयानी जो करीब तय के फुल बाहे थे गर्म का जो पुमा था पतीलो रखी हल्की बाहे रख जो। ठीक है, इसको अब निकालना शुरू करते हैं। मज़ेदार हमारी बीफ बिरयानी बनानी है आपने ईद में, मटन को भी सेम तरीके से आपने बनाना है। ठीक है, और इसमें जो मैंने टमाटर डाले साबित, वो बिल्कुल परफेक्ट जो सिंधी बिरयानी होती है देग वाली तेह वाली, उसमें इस तरह टमाटर डाले जाते हैं। आराम आराम सा तरीके से शेड्स दिसो पे इनमें कितना सुठा चल पिया, इस तरह शेड्स आते हैं बिरयानी के, और इस तरह आपने मिक्सअप करके निकालना होता है। बहुत ज़्यादा मिक्स करने से क्या होता है, बिरयानी का कलर बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। हल्के हाथ से मिक्स करेंगी तो उसका जो कलर है उसमें वाइट भी आ रहा है, ऑरेंज भी कलर आ रहा है, आप देख रहे होंगे। आलू भी इसमें है, आलू मज़ेदार लगते हैं बिरयानी में होते हैं। अगर नहीं पसंद तो आप आलू ना डालें, अगर पसंद है तो ज़रूर डालें। ठीक है, गोश ही मथा कर रखी चंदा क्यों बेहतरीन हिता जी। अच्छा, ब्राउन बसर अगर विझण चाहो तो बसर के ब्राउन करे भी मथा विझी सको था। ठीक है, प्याज अगर डालना चाहें ब्राउन तो आप ब्राउन प्याज भी ऊपर से डाल सकती हैं। ये हमारी हो गई बीफ बिरयानी तैयार, थोड़ा सा वाइट राइस ऊपर से, वाइट राइस से क्या होता है कलर अच्छा लगता है। ठीक है, पावा भी साझा थे तैयार, आराम सा ही 6-8 मानू आराम सा खाइंदा, छा करदा काफी आए, गोश्त भी इनमें चंगो विधल है, आलू भी विधल है, तो 8 मानू आराम सा खाइंदा इन क्वांटिटी जी बिरयानी। ठीक है, आए इनके मथा थोड़ा सावा धाणा या पुदीनो विझी छो, उनका कलर डाढ़ो सुठो थो। ठीक है, हरा धनिया या पुदीना थोड़ा डाल दें, उससे क्या होता है कलर और खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये हो गई हमारी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, और वो इनका पकड़ था पावा। पावा ॾिसूं था, मां चुल्हो थोरो तेज़ कयो हाणे हल्की बाहि ते, तव्हां मूं वटि टाइम एॾो न आहे की मां हिनखे जल्दी कढंदमि, तव्हां हिनखे थोरो टाइम ॾिजो पावनि खे, जेतिरो ई पचंदा अञा एतिरो ई सुठा थींदा। ठीकु आहे, ज़ाइको ईंदो, छो की पाणी त असां विधो कोन्हे, तुंहिंजो पंहिंजो ई यखनी जो हिकिड़ो ज़ाइको आहे, तमामु बहितरीन ईंदो। ठीकु आहे, पाए बि हमारे हो गए तयार, इसको बि डिश आउट करते हैं। अच्छा, आख़िर में इसमें क्या जाएगा, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। ठीक है, अधु चाय जो चमचो गरम मसालो पाउडर। ठीक है, अछो जीरो भुनियल कुटियल तए जे मथा, अछो जीरो एक चाय जो चमचो सेके, खुशबू अचे थदो करे उनके कुटे उखरी मोरी में विझी छो। ठीक है, इनका खुशबू डाढ़ी सुठी ईंदी आहे। ठीक है, सफ़ेद जीरा भुना कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, और क्या डाला मैंने इसमें, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, सॉरी 1/2 चाय का चम्मच। अब हम निकालते हैं पाए, इसको भी डिश आउट करते हैं, मिक्स करें और उसके बाद इसे डिश में निकाल लेते हैं। नान सा अगर तमाम बेहतरीन लगंदा है, बीफ जा भी सागे तरीके से ठंडा। ठीक है, अच्छा मटन जा पावा जडे बॉयल कंदो 4, बीफ जा पावा अगर 2-3 तो उनमें पानी वधीक विझजो। ठीक है, गेहूं जे पावन में पानी वधीक विझबो है, उनमें टाइम वधीक लगंदो, कोशिश कजो के कुकर में ठायो तो कुकर में वधीक सुठा ठहंदा। रुके तो ठीक है, ये आइन मटन पावा, इसके बाद हम इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें डालेंगे, ये हो गया तैयार। इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे अदरक फाइन जूलियन कटिंग की हुई, ठीक है, हरी मिर्चें, सावा मिर्च, अदरक, आए होने का पो लीमे जा कतला रखी छो। ठीक है,
ये हो गए हमारे पाए तैयार। ठीक है, आज की दोनों रेसिपीज तमाम बेहतरीन ये रेसिपी तो सामू माठाई आए जरूर तुम ट्राई कजो। ईद में कलेजी भी ठाण सिखारी छी है, कट्टा कट भी ठाण सिखाए, जब मगज़ भी ठाया है। ठीक है, काफ़ी सारी रेसिपीज़ आपको ईद की मैंने बनाना सिखा दी, जिसमें कट्टा कट था, मगज़ था, कलेजी थी और ये बिरयानी है ये ख़ास स्पेशल। और ईद के बाद भी काफ़ी सारी वैरायटी है बीफ और मटन की, और बारबेक्यू बिहारी बोटी कल हमने बनाई थी तो वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं कल की रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एडवांस ईद मुबारक आप लोगों को कहता हूँ मैं भी, कल आप लोग से बात ना हो सके, लाइट का इशू हो या कुछ हो, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज, हमारी रेसिपीज अपलोड हो जाएंगी और भी बहुत सारी बीफ की, मटन की रेसिपीज़ हैं, बारबेक्यू की, मैं पेज पे शेयर कर दूंगा आज, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज। और वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, ये भी अपलोड हो जाएगी आज रात को। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ईद को इन्जॉय कीजिएगा इंशाल्लाह। पांच खोड़ सारो ख्याल रखो, सुबह जो 12 बजे रिपीट हंधो कुकिंग विद शेफ ऐसा मुझे पेज आए, कुकिंग विद शेफ ऐसा फेसबुक ते मुझे पेज होते रेसिपी अपलोड थी, काफ़ी सारी बीबी वैरायटी है उतने आप शेयर करी वठंदम। आई वीडियो डिसलर सर्च कर सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब ते ताकि वीडियोस मिली वेंदी। पंज खोड़ सारो ख्याल रखो, ईद सुठी इंजॉय कजो, ईद में सब खाधा ठाए जो, आई सुभाणे जी रेसिपी दिसजो सुठी हुंदी केड़ी रेसिपी हुंदी। पंज खोड़ सारो ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो, अल्लाह हाफिज़। Thank you.